أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. تنویر احمد صاحب کو تشریف لائیں گے اور حضور کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. مصطفى 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 أحمد مجتبى سلام آپ پر. مصطفیٰ 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 احمد مجتبی
नूरे खुदा हो हजारों दुरूदो सलाम आप पर मुस्तफा 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 कामिलो कमलो बाकमाल आप हैं बेमसीह आप हैं बेमिसाल आप हैं सब में रहते हुए सब में रहते हुए भी हैं सब से जुदा हो हजारों दुरूदो सलाम आप पर मुस्तफा 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 आप शम्सो तुहा आप बदरो तुजा अक्ल से मावरा है मका अर्श भी फर्श भी अर्श भी फर्श भी आपके जेरे पा हो हजारों दुरूदो सलाम आप पर मुस्तफा 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 क्या ही जिन्नो बशर क्या ही अर्जो समा ना हुई उनसे जब आपकी मद हो सना ना हुई उनसे जब आपकी मद हो सना तब खुदा ने बसत तब खुदा ने बसत शौक खुद ये गा हो हजारों दुरूदो सलाम आप पर मुस्तफा 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 अहमदे मुज्तबा हो हजारों दुरूदो सलाम आप पर दिल यकी शाहिदी दिल यकी शाहिदी आप नूरे खुदा हो हजारों दुरूदो सलाम आप पर मुस्तफा मुस्तफा एक मैं ही
दो आलम का महबूब यगाना है, एक मैं ही नहीं हूँ। एक दफा मिल के सारे पढ़, एक मैं ही नहीं हूँ पर है नसीर आखिर
साहिल तो पुराना है, एक मैं ही नहीं पर कुर्बान जमाना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है, एक मैं मैं गुजारिश करूंगा जनाब हाफिज उमर साहब से, वो आगे स्टेज पे तशरीफ लाएं। हजरत मौलाना हाफिज उमर साहब और अनीस साहब आगे तशरीफ लाएं, हमारे कॉर्पोरेट से तशरीफ लाए हैं। कुरैशी साहब आगे तशरीफ लाएं जनाब। ये थे जनाब मोहम्मद सजाद बट साहब, जो अपने खास अंदाज में हुजूर की बारगाह में अदिया नाशी पेश कर रहे थे। अल्लाह इनको बरकत अदा फरमाए और इल्म फजल में और भी इजाफा फरमाए। अब मैं दावत दे रहा हूँ हमारे ट्राई स्टेट बल्कि यूएसए के मशहूर और खूबसूरत नाथ खान, हमारी महफिलों की जान जनाब मोहम्मद असगर चिश्ती साहब को तशरीफ लाएं और हुजूर की बारगाह में हदीया नाशी पेश करने का शर्फ हासिल करें। जनाब मोहम्मद असगर चिश्ती साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल उल्फते सरकार बसाने के लिए है, दिल उल्फते सरकार बसाने के लिए है। मिलके पढ़े सम्राट दिल कार बसाने के लिए है। रियासत आप दिल उल्फते सरकार बसाने के दिल उल्फते सरकार बसाने में ईदगाह शरीफ वाला मंजर हो, जहां आपकी हुर्मत पे लौटाने के और दिल कहने लगा करते ही गुंबद का नजारा, दिल कहने लगा करते ही
की पूरी इंतजामिया की तरफ से, नमाजियान की तरफ से
जनाब पीर साहब को साहबजादा साहब को खुश आमदेद कह रहे थे और उनका आमद पर शुक्रिया अदा कर रहे थे। हमारी इंतज़ामिया की ये कोशिश होती है कि जो भी आलम इस्लाम की मशहूर हस्तियाँ यहाँ तशरीफ लाती हैं तो उनके अकीदतमंदों से या उनके मेज़बानों से रब्ता करके तो अपने सेंटर में मस्जिद में उनको इनवाइट करना, मदऊ करना, ताकि हम भी और इस इदारे के जितने भी मामिनीन नमाजियान और इस शहर और गिरद नवा में रहने वाले मुसलमान हैं वो मुस्तफीज हों और ज्यारत करें। तो हमेशा की तरह आज भी हमें इस सिलसिले में कामयाबी हुई मौलाना बशार शाही साहब के वास्ते से, इनके वसीले से पीर साहब यहाँ तशरीफ लाए, सरदार साहब तशरीफ लाए और यहाँ के निवाजी और यहाँ के लोग जो हैं वो इतनी खूबसूरत महफिल जो है वो उसके अंदर मौजूद हैं और ऐसी महफिलों का इनेकाद होना चाहिए। सूफिया के यहाँ जो हल्के होते हैं और जो महफिलें होती हैं मुख्तलिफ अवकात में मुख्तलिफ दिनों में जो सिलसिले के ख़त्म चलते हैं उसका भी मकसद यही होता है कि जितने भी वाबस्ता लोग हैं उनको बिजी रखा जाए, उनको दीन के साथ ही जिक्र के साथ ही वाबस्ता रखा जाए, इसलिए कि जब रस्सी थोड़ी सी ढीली हो जाती है तो दूसरी तरफ शैतान है जो अपनी कात लगा के बैठा हुआ है। तो इसलिए जहाँ भी ऐसी महफिलें मुयसर आएँ उनमें हर दम जाने की कोशिश करें। हमारे पाकिस्तान के मरहूम सदर गुजरे हैं, उनका एक बयान मैंने पढ़ा था कि किसी ने पूछा कि आप मदीना शरीफ जाते हैं तो जवाब में उन्होंने कहा था कि मैं मदीना पाक में बैटरी चार्ज कराने के लिए जाता हूँ। एक मशहूर उनका फिक्रा था, बड़ा मशहूर हुआ। तो ये जो महफिलें हैं इन महफिलों में रूहानी बैटरी चार्ज होती है, तो अगर आप इन महफिलों में रहेंगे, इन हस्तियों के साथ वाबस्ता रहेंगे, वो कहते हैं कि पहले मंगनी होती है, जब मंगनी हो जाती है तो फिर जो बच्ची बच्चे होते हैं फिर उनकी तवज्जो एक तरफ जो है ना वो हो जाती है, महदूद हो जाती है। पहले वो सोचते रहते हैं कि हाँ वो भी वो भी वो भी, जब मंगनी हो जाती है तो फिर उनको पता होता है कि भाई यहीं यही मेरा मुकद्दर है, तो फिर वो दाएं बाएं से वो लड़की लड़का बचता है और जब निकाह हो जाता है तो फिर और भी काम पक्का हो जाता है। तो इन महफिलों में आना और औलिया किराम के साथ वाबस्ता होना, ये बैत करना अजीब हुई सिलसिला है, इससे अकीदा भी महफूज रहता है। सबसे बड़ी बात है इस दौर में अकीदा महफूज रखना, तो इन महफिलों में और इन लोगों के साथ वाबस्ता रह के तो ईमान बचता है, अकीदा महफूज रहता है, जिसकी फी जमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फितरों का दौर है, मीडिया का दौर है, नए नए लोग आ रहे हैं, मॉडर्न लोग आ रहे हैं और बड़े अच्छे आसान वो चीज़ें पेश कर रहे हैं, तो गुमराह होने का ख़तरा है। तो इसलिए आप सब के साथ वाबस्ता रहिए ताकि इस दुनिया से ईमान लेकर जाए। तो माशाल्लाह जैसे हमारे चौधरी मुजीब साहब ने नाशी पेश की थी और उसमें जब मदीना शरीफ का जिक्र आया तो उन्होंने कहा था मदीना पाक, तो ये जो मदीना पाक की जो इस्तिलाह है ये ईदगाह शरीफ की है, तो वहाँ से यही सिखाया जाता है अदब और एहतराम। सौदादा साहब तशरीफ फरमा है, इनके जद में, इनके अजदाद में, इनके जद्दे करीम हजरत ख्वाजा हाफिज अब्दुल करीम जो आपके अबा अजदाद में हैं और जिनको चूरा शरीफ से फैज है, हाफिज कुरान थे वो और इतना खूबसूरत कुरान पढ़ते थे कि रमजान में जिस मस्जिद में वो कुरान पाक नमाज तरावी में मुसल्ला सुनाते थे लोग मगरिब की नमाज के साथ ही अपनी जगह महसूस कर लेते थे कि बाद में जगह नहीं मिलेगी। हाफिज कुरान गुजरात में एक छोटा सा गांव है
उसका नाम था पहले टिब्बी बंगला, उसका नाम था। वहां के रहने वाले हाफिज मियां मोहम्मद साहब ने ये इस बात का जिक्र किया कि वो हाफिज अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुए और कहा कि सरकार दुआ कीजिए कि कुरान पाक की एक मंजिल कच्ची हो गई है। कितनी मंजिलें कुरान पाक की है जी? माशाल्लाह 7 मंजिलें हैं, तो एक मंजिल उसमें कमजोर हो गई हिफ्ज के लिहाज से। हजरत दुआ कीजिए, एक मंजिल जो है वो कमजोर हो गई है, कच्ची हो गई है। आपने दुआ की और फरमाया कि आज दुआ करने का मजा आया। पहले भी लोग दुआ करवाते हैं, कोई आगे कहता है हुजूर दुआ कीजिए अल्लाह बच्चा दे दे, कोई कहता है दुआ कीजिए अल्लाह कारोबार दे दे, अल्लाह खुशहाली दे दे, अल्लाह पैसे दे दे, मकान दे दे, जाग दे दे। इस मकसद के लिए लोग दुआ कराते हैं। आज दुआ करने का मजा आया है। और फिर हाफिज मियां मोहम्मद साहब बताते हैं कि हजरत ने दुआ की और मंजिल कैसी पक्की हुई। फरमाते हैं कि वो जो टिब्बी बंगला था उसमें इतने लोगों ने कुरान पाक हिफ्ज किया कि अब उसका नाम है टिब्बी हाफजंदी। टिब्बी बंगला का नाम है अब टिब्बी हाफजंदी। तो ये फैज है इस घराने का और इस आस्थाने का। नारे तकबीर, नारे रिसाले, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, आज या ईदगाह शरीफ जिंदाबाद। अभी आपने एक नाज सुनी थी चौधरी गुलाम सरवर साहब तशरीफ फरमाया, फिर चौधरी नजीब अहमद साहब ओहायो से तशरीफ लाए हुए, इन्होंने नाज पेश की। अब इसके बाद चौधरी मोहम्मद अली साहब, वो भी चौधरी हैं, तो इन चौधरियों को सीधा करना आसान काम नहीं होता इनको। अब इनको टोपियां पहना देना, दाढ़ियां रखवा देना, नाथ खान बना देना, जिक्र भी लगा देना, तो चौधरी साहब जरा बुरा ना माना, चौधरियों को सीधा करना आसान काम नहीं होता। तो इन चौधरियों को दाढ़ियां रखवा देना, सुन्नत रसूल रखवा देना, सर पे टोपियां पहना देना और हुजूर का नाथ खान बना देना, ये है ना पते की बात। तो ये इस घराने का फैज है। अब मैं दावत देता हूँ जनाब चौधरी मोहम्मद अली साहब को, वो तशरीफ लाएं और हुजूर की बारगाह में हदीए नाशी पेश करने का शर्फ हासिल करें।
मेहरबानी
पेश करके तो जो महफिल में कैफियत पैदा की और जो रिकत पैदा की, मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई खलल आए, इसलिए मैं बिला ताखीर पीर साहब के साथ पाकिस्तान से तशरीफ ला रहे हैं हमारे महबूब नाथ खान, खूबसूरत पढ़ते हैं, अल्लाह ने आवाज़ भी दी और दर्द सोज और उदास भी अता फरमाया। सादात हैं, नात गो भी हैं, नात खान भी हैं हमारे दोस्त और भाई जनाब सैयद इल्ताफ हुसैन काजमी साहब तशरीफ लाते हैं और अपने दर्द भरे अंदाज में हुजूर की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करने का शर्फ हासिल करते हैं।
दुरूद व सलाम का नगाना हुजूर की बारगाह में तमाम हज़रात आवाज़े बुलंदी से जो पढ़ी मदीना पाके मेरी झोली
मदीना पाके टुकड़े मदीना पाके मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मदीना पाके पड़ी है क्या पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जा के मांगू मैं पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जा के मांगू मैं खिला मदीना पाके मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मदीना पाके अबू बकर उमर उस्मान अली इब्ने अबी तालिब अबू बकर उमर उस्मान अली इब्ने अबी तालिब लुटाते हैं ये दुनिया में सदा टुकड़े मदीना पाके टुकड़े मदीना पाके मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मदीना पाके मेरे मौला अली ओ सैयदा हसनैन के सदके मेरी नस्लों को भी करना था टुकड़े मदीना पाके टुकड़े मदीना पाके मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मदीना पाके तेरा दामन कभी अलता बुखारी रे नहीं सकता तेरा दामन कभी अलता बुखारी देते हैं तुझे आले अबा टुकड़े मदीना पाके टुकड़े मदीना पाके मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मदीना पाके। बहुत पुरानी नात के मुझे अलामा कारी साहब नबी साहब के बिला हुक्म दिया है बहुत पुराना 20-25 साल पुराना ताल्लुक है अब तो मैं शायद भूल भी गया हूँ लेकिन एक दो शेर में उसके इनकी मोहब्बत है हुजूर के गुंबद खजरा की बात है उस गली की बात है तो वो इन शेर में पेश कर देता हूँ एक दफा मिल के सब हुजूर की बात करते हैं झुका लेते हैं सच बताना रे दुनिया तेरा क्या लेते हैं हम दरिया का पेशल अपना झुका लेते हैं वक्त की Peace.
झुका लेते हैं। और आखिरी शेर पेश करता हूं के गुंबद अपना झुका लेते हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं, तो रास्ते साफ बताते है के आप आते हैं लोग मिला।